गोल्ड जो है कि बहुत ही चर्चा में, और चर्चा में भी होना चाहिए क्योंकि जो उसका रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो 41% है, और जो गोल्ड जो कि दुनिया का सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, सेफ हेवन फॉर मनी माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसका रिटर्न अगर इतना है तो चर्चा में बनना ऑब्वियस है। और रिसेंटली जो इंडिया में इन्होंने 55,500 को क्रॉस किया है, और अभी 55,000 के अबो गोल्ड ट्रेड कर रहा है पर 10 ग्राम। और जो गोल्ड का प्राइस है इंडिया का वो मेनली अपने फॉरेन मार्केट पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि इंडिया में गोल्ड का कोई प्रोडक्शन होता नहीं है, गोल्ड माइन है नहीं, तो जो गोल्ड का प्रोड्यूसर जो मेन है वो है चाइना, रसिया, अमेरिका, कनाडा। और जो चाइना का प्रोडक्शन है वो कनाडा जो 5th नंबर पे है उसका मोर देन डबल से भी ज़्यादा है। तो इसलिए जो मेनली जो प्राइस डिसाइड होता है ग्लोबल मार्केट में उसको ही अपना जो इंडिया का जो गोल्ड प्राइस है उसको फॉलो करता है। तो जो गोल्ड का प्राइस है वो आखिर क्यों बढ़ रहा है, मोस्टली जब जैसा कि मैंने बोला कि जो गोल्ड है वो एक सेफ हेवन माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए तभी बढ़ेंगे जब इक्विटी मार्केट में रिस्क जो है बढ़ रहा है, या कुछ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ है, या अदर कोई महामारी है उस तरीके से। तो जो गोल्ड का प्राइस है अभी शूट अप हुआ है लास्ट 1.5 ईयर से, तो अगर आप देखोगे तो जो मार्च में लो बना था उससे जो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा कोरोना के केसेस जो बढ़ गए थे, जो महामारी है जो कि सबसे बड़ा एक चैलेंज है, उसके लिए हर कंपनियां वैक्सीन बनाने के लिए भी काम कर रही हैं, तो ये एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। आज की डेट में किसी को भी सर्टेन नहीं है कि उसका जॉब रहेगा नहीं रहेगा, उसके होम लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो नई कार भी नहीं खरीद रहे हैं लोग, ना घर खरीद रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट भी रिड्यूस हो रहा है, तो इतना जो फाइनेंशियली अनसर्टेनिटी बन रहा है और जो ह्यूमन लाइफ का भी अनसर्टेनिटी जो बना है उसकी वजह से लोग सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ गए। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो मार्च के लो से और अभी तक जो हाई बना है वो 42% का हाई हो गया है, तो अभी $2,075 को रिसेंटली टच किया और अभी $2,034 पे है, ये जो प्राइस है पर आउंस है इंटरनेशनल मार्केट में, और उस पर ही अपना प्राइस डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर ये जो गोल्ड प्राइस है मेनली किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है अगर उसको हम देखें, आप अगर लास्ट 10 ईयर्स का अगर हम डेटा देखें पर क्वार्टर, जो मेनली जो गोल्ड का प्राइस है जो ड्रिवन होता है वो आपका जो ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो गोल्ड के, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है मतलब गोल्ड जो है पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ही खरीदा जा रहा है ETF के थ्रू। तो ETF के थ्रू क्या है कि एक्सचेंज जो ट्रेडेड फंड है जो गोल्ड है उसके पैरेलली गोल्ड फिजिकली खरीदा जाता है, तो एक्सचेंज उसको फंड को मेंटेन करते हैं जो भी ब्रोकर्स होते हैं या बैंक्स होते हैं। तो इसमें अगर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में आप देखो तो यहाँ पे यहाँ से Q2 2019, तो 19 में भी जो है ETFs ग्रो हुए हैं, ETF में जो इनफ्लो है वो बढ़ा, उसके अलावा उसके साथ साथ गोल्ड का प्राइस बढ़ा। तो 2019 का जो रीज़न था वो ये था कि जो 2018 है उसका Q4 मतलब जो लास्ट 3 मंथ है उस टाइम पे यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो है बहुत ही बढ़ गया था, और उसकी वजह से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज बनी हुई थी कि अबाउट इकोनॉमी, और इसकी वजह से जो इक्विटी है उसमें अनसर्टेनिटी बढ़ा, तो लोगों ने सेफ हेवन की तरफ इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, तो उसकी वजह से एक्सचेंज ट्रेड फंड में इनफ्लो बढ़ा और उसने इसको गोल्ड को ड्राइव किया। उसके बाद जो 19 में ये ऑलमोस्ट मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई अभी एस्केलेशन बंद हो गया है चाइना ट्रेड वॉर में, बट उसके 2 महीने बाद ही ये कोरोना वायरस का एंट्री हुआ, और उसके बाद आप देखो तो Q1 और Q2 में इतना अनसर्टेनिटी बढ़ गया कि कोई फ्यूचर का सर्टेनिटी नहीं, ना ही कोई ह्यूमन लाइफ का सर्टेनिटी, तो उसकी वजह से पूरा लॉकडाउन हो गया था इकोनॉमी सब, तो उसकी वजह से गोल्ड ETFs में इन्वेस्टमेंट जो सेफ है उसकी तरफ बढ़ा, और लोअर सर्किट अपर सर्किट का भी मिडिल में, तो उसकी वजह से
लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट चालू किया, और उसकी वजह से आप देखोगे तो 2018 से जो लास्ट 3 मंथ है वहाँ से इसका अपर ट्रेंड चालू हुआ और ये बढ़ते बढ़ते अभी पीक पे ही चल रहा है। बट इसका जो पीक अभी आया है उसका पीक से अगर 2011 में देखें तब भी यही सेम प्राइस चल रहा था इसके अराउंड ही, जो अभी रिसेंटली 20 दिन पहले क्रॉस किया है। तो उसको अगर हम देखें तो जो 2010 में जो रैली चालू हुआ क्वार्टर वन से, तो यहाँ पे जो इनफ्लो का जो रीज़न है वो क्या है, तो मैंने गूगल ट्रेंड पे सर्च किया कि 2010 में एक्चुअली क्या सिचुएशंस थी और क्या चीज़ें सर्च हुई जिस, तो उससे आइडिया आया कि भाई उस टाइम पे जो सिचुएशन था 2010 में आखिर सिचुएशन था क्या जिसकी वजह से इसमें ETF में इनफ्लो हुआ और ये जो प्राइस है गोल्ड का प्राइस बढ़ा। मेनली अनसर्टेनिटी की वजह से बढ़ता है गोल्ड प्राइस, और अनसर्टेनिटीज़ तभी होती है या तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ या डेब्ट क्राइसिस या कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस का पॉसिबिलिटीज़ हो तो ही गोल्ड के डिमांड बढ़ती है। ETFs में इनफ्लो होगा तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो 2010 से 2011 के क्वार्टर थ्री में ये पीक पे था गोल्ड का प्राइस। तो 2010 में आखिर क्या हुआ था, तो अगर उसको आप देखो तो 2010 में गूगल ट्रेंड जो बोलता है वो बोलता है 2010 जो ईयर था वो स्ट्रगल्स का था। तो उसमें एक तो यूरोपियन डेब्ट क्राइसिस था जो मेन रीज़न था, तो डेब्ट क्राइसिस आया तो उसकी वजह से अनसर्टेनिटीज़ बढ़ी वापस से बॉन्ड मार्केट में और इक्विटी मार्केट में, तो गोल्ड का इनफ्लो बढ़ा। उसके अलावा US अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ था 2010 में, तो वो भी एक हिस्टोरिकल जो डिजास्टर था उसकी वजह से भी उसमें इनफ्लो बढ़ रहा था गोल्ड में। एक थाईलैंड में भी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था। तो इन सब अनसर्टेनिटीज़ की वजह से 2010 से 2011 के बीच में जो गोल्ड का रैली हुआ उसके पीछे का यही रीज़न था कि अनसर्टेनिटीज़ बढ़ा, ETF में फ्लो हुआ और गोल्ड का प्राइस बढ़ा। तो अभी किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी अगर करंट सिनेरियो देखें तो जो वैक्सीन बनाने के लिए कोरोना के लिए काफ़ी जोर शोरों से कंपनियां लगी हुई हैं, अगर वैक्सीन बनता है और नॉर्मल सी होगी वापस से सेम लाइफ, तो ऑब्वियसली गोल्ड का जो प्राइस है जो उसका मेन रीज़न है, पहले तो चाइना US चाइना ट्रेड वार था वो थोड़ा मॉडरेट हुआ, उसके बाद ये आया कोरोना वाला। तो यही दो रीज़न हैं जो अभी करंट है, एक ही रीज़न बचा है जो कि कोरोना वायरस है। अगर इसका कोई इलाज मिल जाता है अच्छे से और फैलना बंद हो जाता है इन्फेक्शंस, तो ऑब्वियसली कोई अदर अनसर्टेनिटी है नहीं, तो जो गोल्ड का प्राइस है वो डाउन आने के चांसेस हैं, और मोस्टली कंपनीज फेज 3 ट्रायल में पहुंच चुकी हैं। आज के वीडियो का कंक्लूजन यही है कि जो गोल्ड का प्राइस है मेनली जो है कोई भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है या कोई डेब्ट क्राइसिस या कुछ कोई अदर क्राइसिस आने वाला है या कोई किसी भी टाइप का अनसर्टेनिटी अगर क्रिएट होता है या कोई भी डिजास्टर क्रिएट होता है तो गोल्ड का जो प्राइस है वो बढ़ता है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं, इक्विटीज़ और जो अदर बॉन्ड्स हैं इन्वेस्टमेंट जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे पैसा एग्जिट करते हैं, तो इक्विटी फॉल होता है और गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। और वही अभी तक का ट्रेंड रहा है काफ़ी, लास्ट 100 ईयर का भी अगर देखोगे तो सेम ही है। अगर कोरोना ठीक हो जाता है तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा रहेगा, और उस टाइम पे जो गोल्ड का प्राइस है वो सर्टेनली जो है करेक्शन जो होगा काफ़ी अच्छा करेक्शन पॉसिबल है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।